छत्तीसगढ़, जैसा कि आपको मालूम होगा कि दरोगा बहाली में पर्चा लीक हुआ था, तो उसमें भी मैंने आवाज उठाया था। और आवाज उठाने के दौरान जो है मुझे 7 दिन बेउर जेल में भी रखा गया था। फिर भी आंदोलन में मैं लगा रहा, आंदोलन को जारी रखा। और जैसे लॉकडाउन हो गया उसके दौरान जैसे गरीब वर्ग के लोग हैं उनको काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो मैं चंदा इकट्ठा कर करके दरोगा अभ्यर्थी के इसमें सभी का सहयोग रहा। जैसे कि कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 50 रुपया दे रहा है, तो कोई 200 रुपया दे रहा है। तो इस टाइप से मैंने चंदा इकट्ठा करके खाना बनाने का आयोजन किया है। 21 दिनों के लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के केसेस में इजाफे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन तालाबंदी के चलते सबसे ज्यादा मुसीबत का पहाड़ दिहाड़ी मजदूरों पे पड़ा है, जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। कोरोना संकट की घड़ी में सरकार भी अपनी तरफ से सारी कवायद में जुटी है। इसके साथ ही गरीबों की भूख मिटाने के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। पटना में दरोगा बहाली में धांधली का आरोप लगाकर आंदोलन करने वाले छात्रों का समूह भी लगातार राजधानी की सड़कों पर भूखे राहगीरों को खाना खिलाने में जुटा है। सरकार के खिलाफ दरोगा बहाली आंदोलन में जेल तक का सफर तय करने वाले विकेश भट्ट की अगुवाई में दरोगा अभ्यर्थी लगातार लॉकडाउन में बेबस गरीबों की मदद कर रहे हैं। दरोगा अभ्यर्थियों की तरफ से आज हम लोग 4th दिन खाना बनाने का आयोजन किया है। देखिए कि जैसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा, जैसा कि आप देख सकते हैं तो मैंने गोल घेरा बना दिया है ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार को यह मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि सरकार जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जैसे कि आज कमाते हैं और कल खाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, तो रजिस्टर्ड को तो सरकार के तरफ से 1,000 रुपये मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है, लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड मजदूर हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए। सरकार को बताना चाहते हैं कि उनके लिए भी कुछ प्रावधान किया जाए। जैसे जैसे आप देखते होंगे किसी मोहल्ले गली में कि जो हजामत बनाने वाले होते हैं वो नॉन रजिस्टर्ड कैटेगरी में आते हैं, और जैसे जूता पॉलिश करने वाले जो मजदूर होते हैं वो भी नॉन रजिस्टर्ड कैटेगरी में आते हैं। और सरकार के तरफ सरकार को हम एक बात और बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लॉकडाउन की वजह से जो है बहुत सारे लोग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो खास करके विद्यार्थी लोग जो उनके माता पिता किसी तरह से जो है पैसा मुहैया करा पाते हैं, तो कम से कम ये होना चाहिए सरकार की तरफ से कि 2 महीने का रूम रेंट जो है से सरकार माफ़ करे, ताकि हम लोग को जो स्टूडेंट हैं उन लोग को किसी तरह का परेशानी नहीं हो। इधर भी देख ले, मैंने 2 लाइन का व्यवस्था किया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर 1 लाइन आपका हो गया और इधर 1 लाइन हो गया, और जैसे वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे बहुत सारे साथी खाना बांट रहे हैं और एक आदमी लेता है, उसके बाद ही अगले घेरा में हम लोग जाने के लिए अलाउ करते हैं। एक आदमी को मिल रहा है तभी दूसरे घेरा में जा रहे हैं, और हमारे साथी बहुत सारे जो हैं हर एक तरह से जैसे प्रशासन का भी सहयोग है। देखिए सर यहाँ पर मौजूद है हम लोग को खाना डिस्ट्रीब्यूट करवाने में, तो सरकार को सर को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं और सरकार को भी जो इस तरह का प्रावधान किए हैं। और देखिए वहाँ पर मेरा ठेला लगा हुआ है, यहाँ पर खाना वितरण किया जा रहा है, और गुड्डू जी मेरे साथी हैं वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं देखिए बहुत ही सराहनीय कार्य है, ठीक है, लगातार हम लोग इससे जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ा योगदान जो है विकेश भाई का है। इनके दिमाग में एक काम आया कि गरीब भूखे लोगों को खाना खिलाया जाए, और लगातार जो है इनके समर्थन से जो है हम लोग जुटे हुए हैं। इनके सबसे अधिक योगदान किसी का है तो विकेश भाई का है, और बहुत ही दिल से इस काम में लगे हुए हैं। हम लोग दुर्गा स्टूडेंट के लिए भी बहुत योगदान दिया, इन्होंने दुर्गा स्टूडेंट के लिए जो जेल गए थे 7 दिन आए हैं, उसके बाद इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। इसलिए इनसे अच्छा आदमी हमको हमारे ग्रुप में तो बहुत ही कम लोग नजर आएंगे, तो रिक्वेस्ट है कि इस योगदान इस मतलब कार्य में जो है जो भी बंदा है इसमें जुड़े और वही भूखे लोगों को खाना पीना खिलाने का कार्य किया जाए, ठीक है। सामाजिकता पर मंडरा रहे महामारी के महासंकट के बीच दरोगा अभ्यर्थियों की ये पहल वाकई मिसाल है। मैं विकेश भट्ट, जो कि आज हम लोग का 2रा दिन है, जो आम जनता जो गरीब मजदूर है जो सरकार के तरफ से उनको खाना
अच्छी तरह से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। तो सरकार को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम जो सोशल वर्कर हैं सरकार उनसे कॉन्टेक्ट करे, और ताकि जो भी गरीब मजदूर राहगीर जो भूखे रह जा रहे हैं उन तक आसानी से खाना पहुंचाया जा सके। क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से संकट की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, कोरोना वायरस की जहां तक सवाल है तो कोरोना वायरस की पुष्टि इंडिया में 30 जनवरी को सबसे पहले हुई, जो कि उस पर राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था कि हमारे केंद्र सरकार को इस पर जो गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो आगे चलकर कहीं ना कहीं महामारी का रूप ले सकती है। लेकिन जो हमारे इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले जो है ये जो है जनता को डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं। मोदी जी का जो लॉकडाउन का फैसला जो अटेंडम लिया गया मेरे हिसाब से बहुत ही गलत था, क्योंकि आप कहीं पर किसी मुख्यमंत्री का बैठक नहीं किया, ना आपने कैबिनेट का बैठक किया। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश की जनसंख्या करीब 130 करोड़ है, तो आप 130 करोड़ जनता को बिना किसी प्री प्लान को कैसे घर में कैद करके रख सकते हैं। आपको कम से कम लॉकडाउन आप कर रहे थे तो एक सप्ताह पहले आपको इसका डिसीजन लेना चाहिए था कि इतने डेट में जो है भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी के बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी कभी बेवकूफाना वाला बात कर देते हैं, जैसे नोटबंदी का जैसे उन्होंने अटेंडम फैसला लिया था, तो नोटबंदी का प्रभाव देखिए कहीं ना कहीं आम जनता को, गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया, जो कि नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। और एक बात और, जैसे नोटबंदी का फैसला लिया गया था तो कितने लोगों का पढ़ाई छूटा, कितने का रिश्ता टूट गया। और जैसे नोटबंदी के बारे में हम चर्चा किए, जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा बताया गया था कि हमारे देश में जो GST का अनाउंसमेंट किया गया है, तो जो अनाउंसमेंट किया गया इससे इंडिया को काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, इंडिया की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि इंडिया जो है उस स्थिति में नहीं है अभी कि GST लागू हो सके। वही सरकार को और बिहार सरकार और केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं सोशल वर्कर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए, और जो गरीब जनता और आम मजदूर जो है उनको खाना जो है मुहैया नहीं करा पा रही सरकार, उनको सुविधा के लिए सरकार को, जैसे हम लोग दरोगा अभ्यर्थी जो है देख रहे हैं कि हम लोग लगातार हम लोग का दूसरा दिन है हम लोग खाना बांटने का काम कर रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा और बहुत सारे गरीबों को देखा कि रोड पर घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया हम बहुत भूखे रह जा रहे हैं, 4-5 दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं। तो कोरोना वायरस से ज़्यादा यहाँ पर भूखमरी से लोग मर सकते हैं अगर सरकार इस पर गंभीरता से विचार नहीं करता है। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, यही हमारे तमाम दरोगा अभ्यर्थियों का मैसेज है, सरकार तक यही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। मैं विकेश भट्ट, जय हिंद जय भारत। बड़ी बात ये है कि छात्र चंदा इकट्ठा कर लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो मैं विकेश भट्ट, क्योंकि हम लोगों का आज चौथा दिन है, इससे पहले हम लोग भी खाना बांटे थे और लगातार हम लोग खाना बांट रहे हैं, और तमाम दरोगा अभ्यर्थियों का जो है सहयोग रह रहा है। देख रहे हैं कि जैसे मनीष भाई लगातार खाना बांट रहे हैं, उनका नाम जिद्दू जी हुआ, ये अजय जी हुए जो सब्जी निकाल रहे हैं, तो हम लोग लगातार खाना बांटेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी मैंने ख्याल रखा, देख सकते हैं कि मैंने घेरा लगा दिया, मैंने 2 लाइन लगाया है, दोनों लाइन में मैंने घेरा लगा दिया है, और इसी तरह से हम लोग का आगे का प्रोग्राम चलता रहेगा। मनीष भाई भी कुछ कहना चाहते हैं, मनीष भाई साहब रूबरू वाले, क्योंकि सबसे मैं बात करना चाहते हैं कि जो भी दूरों का विद्यार्थी है, हम लोग थके हुए नहीं है, तो अगर हम लोग रोड पर उतर सकते हैं तो जब सच्ची देशभक्ति वही है। तो आप लोग से यही यह भी अनुरोध है कि हम लोग को अगर आप लोग सहायता करिएगा ना, सपोर्ट करिएगा, तो हम विकेश भाई, हमारे एक भगत जी थे औरंगाबाद के गाँव के हैं, सुनील भगत नाम है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए
क्यों निस्वार्थ होकर हम लोग को कम से कम 4-5 बार खाना कंटिन्यू वही बनाए, जो भी आज सब्जी खाना बनाए, आज हम लोग 300 आदमी से प्लस खाना खिला दे, आप लोग सामने देख रहे हैं, उन्हीं का दिन है आज। आप लोग का सपोर्ट एक ही है कि आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ये नहीं कि आप लोग डिमोट कीजिए अपना प्रचार, हम लोग का आप सपोर्ट कीजिए, आप लोग सही समझना चाहते हैं, जैसे भी हो आप लोग हम एक बार सपोर्ट जरूर कीजिए, हमेशा करते रहे, हम लोग सही अनुरोध है आप लोग से। थैंक यू, जय हिंद। मैं गुड्डू कुमार सिंह, ठीक है सर। इस कार्य में हम लोग जब इकेश भाई के सजन से कार्य चल रहा है, हम लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी मिल रही है लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाने में, और ये काम जो है बहुत सराहनीय है। जो भी बंदा संपन्न है, जहाँ भी है, उस हेल्प करे, लोगों को खिलाए पिलाए, ठीक है, बहुत अच्छा काम है, ताकि कोई भूखा रह जाए, किसी के पास, ठीक है, किसी के पास अगर है, अगर कोई भूखा रह जाए तो बहुत दुख की बात है, ठीक है। जहाँ तक हो सके आदमी को अपनी तरफ से हेल्प करना चाहिए। हम लोग जो है इस काम में जुड़े हुए लगातार लगे रहेंगे, ऐसा नहीं है, नहीं हम नहीं करेंगे, हम लोग जितना होता है उतना हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। बहुत खुशी मिलती है इस काम को करने के बाद, ठीक है। आप अभियान से रिक्वेस्ट है कि इस काम में सहयोग करें, जहाँ तक हो सके अपने सब सहयोग करें विकेश भाई का, हम लोग इसे काम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद। हमारे जैसा कि आपको मालूम होगा कि दरोगा बहाली में पर्चा लीक हुआ था, तो उसमें भी मैंने आवाज उठाया था, और आवाज़ उठाने के दौरान जो है मुझे 7 दिन बेउर जेल में भी रखा गया था, फिर भी आंदोलन में मैं लगा रहा, आंदोलन को जारी रखा। और जैसे लॉकडाउन हो गया उसके दौरान जैसे गरीब वर्ग के लोग हैं उनको काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो मैं चंदा इकट्ठा कर करके दरोगा भी थी कि इसमें सभी का सहयोग रह रहा है, जैसे कि कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 50 रुपया दे रहा है, तो कोई 200 रुपया दे रहा है, तो इस टाइप से मैंने चंदा इकट्ठा करके खाना बनाने का आयोजन किया है। और आज जो मेरा है खाना आयोजन करने का 5वां दिन है, इससे पहले मैं 4 दिन खाना बंटवाने का काम किया हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा है, मैंने घेरा लगा दिया है कि एक घेरा वाला आदमी अगर खाना ले लेता है तब उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसको खाना मिलता है। तो सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें सरकार को भी तत्परता दिखाने की आवश्यकता है। और जैसे पुलिसकर्मी जो हैं और डॉक्टर्स जो हैं, जो जिस तरह से अपना हौसले को अब जाहिर करते हुए लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूं कि अपने जान की परवाह किए बिना जो है लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं, और हम लोग भी लगातार सेवा करते रहेंगे, तमाम दरोगा अभ्यर्थियों का सहयोग रहेगा और इसी तरह से कार्यक्रम चलते रहेगा। बारी में से जुड़ा हुआ हूँ, विकेश भाई के साथ सहयोग करते हैं खाना खिलाने में, और ये बहुत ही सराहनीय काम लगातार विकेश भाई के द्वारा किया जा रहा है, बहुत खुशी मिलती है। हमें जो गुजारिश है उन लोगों से जो घर में बैठे हुए हैं और उनके पास सब कुछ होते हुए भी लोगों का हेल्प नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है जहाँ भी हैं लोगों का हेल्प करें, खाना खिलाने का काम करें, बहुत खुशी मिलती है इस काम करने में, शरमाए नहीं, जो भी है जहाँ पे जितना सक्षम है कर सकता है करें, अच्छा काम है। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत कुमार, दरोगा अभ्यर्थी। आप देख रहे होंगे पिछले बार लगातार हम लोगों ने अपने हक के लिए वोट पूछ रहे थे सीबीआई जांच के मांग के लेकर, लेकिन आज जो है हम लोग दूसरे रूप में उतरे हैं गरीबों की, जिसे बोल सकते हैं हेल्प करने के रूप में। हम लोग लगातार विकेश भाई की मदद से 5वें दिन आज खाना बांटने का काम कर रहे हैं, जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो कि बिना भूख के कारण मर जा रहे हैं। मैं बिहार के सरकार से मैसेज देना चाहता हूं कि वो अपने जिस तरह से अपने परिवार को देख रेख करते हैं, शायद उसी तरह से गरीब आदमी को भी देखें, और कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे, इसके कारण हम लोग आज यहाँ पे उतरे हैं और लगातार जितना बनेगा हम लोग वो सहयोग करके खाने खाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो मैं विकेश भट्ट, जो कि हम लोगों का आज 4वां दिन है, इससे पहले हम लोग भी खाना बांटे थे और लगातार हम लोग खाना बांट रहे हैं, और तमाम दरोगा अभ्यर्थियों का जो है सहयोग रह रहा है। देख रहे हैं कि जैसे मनीष भाई लगातार खाना बांट रहे हैं, उनका नाम गुड्डू जी हुआ, ये अजय जी हुए जो सब्जी निकाल रहे हैं,
तो हम लोग लगातार खाना बांटेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी मैंने ख्याल रखा है। देख सकते हैं कि मैंने घेरा लगा दिया है, मैंने दो लाइन लगाया है, दोनों लाइन में मैंने घेरा लगा दिया है। इसी तरह से हम लोग का आगे का प्रोग्राम चलता रहेगा। मनीष भाई भी कुछ कहना चाहते हैं, मनीष भाई साहब रूबरू वाले क्योंकि सबसे बात करना चाहते हैं कि जो भी दूरों का विद्यार्थी हम लोग थके हुए नहीं है, तो अगर हम लोग रोड पर उतर सकते हैं तो जब सच्ची देशभक्ति वही है। तो आप लोग से यही हम यह भी अनुरोध है कि हम लोग को अगर आप लोग सहायता करिएगा ना, सपोर्ट करिएगा तो हम विकेश भाई हमारे एक भगत जी थे औरंगाबाद के गांव के हैं, सुनील भगत नाम है उनका, मैं तहल दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इसलिए कि निस्वार्थ होकर हम लोग को कम से कम 4-5 बार खाना कंटिन्यू वहीं बनाए। जो भी आज सब्जी खाना बनाए, आज हम लोग 300 आदमी से प्लस खाना किया दे, आप लोग सामने देख रहे हैं, उन्हीं का दिन है आज। आप लोग का सपोर्ट एक ही है कि आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ये नहीं कि आप लोग डिमोट कीजिए अपना प्रचार, हम लोग को आप सपोर्ट कीजिए। आप लोग सही अनुरोध चाहते हैं, जैसे भी हो आप लोग हम एक बार सपोर्ट जरूर कीजिए, हमेशा करते रहे, हम लोग सही अनुरोध है आप लोग से। थैंक यू, जय हिंद। मैं गुड्डू कुमार सिंह, ठीक है सब। इस कार्य में हम लोग जब विकेश भाई के सजन से कार्य चल रहा है, हम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत खुशी मिल रही है लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाने में। और ये काम जो है बहुत सराहनीय है, जो भी बंदा संपन्न है जहाँ भी है उस हेल्प करे, लोगों को खिलाए पिलाए, ठीक है, बहुत अच्छा काम है। ताकि कोई भूखा रह जाए किसी के पास, ठीक है, किसी के पास अगर है, अगर कोई भूखा रह जाए तो बहुत दुख की बात है, ठीक है। जहाँ तक हो सके आदमी को अपने तरफ से हेल्प करना चाहिए। हम लोग जो है इस काम में जुड़े हुए लगातार लगे रहेंगे, ऐसा नहीं है नहीं हम नहीं करेंगे, हम लोग जितना होता उतना हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। बहुत खुशी मिलती है इस काम को करने के बाद, ठीक है। आप अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस काम में सहयोग करें, जहाँ तक हो सके अपने सब सहयोग करें विकेश भाई का, हम लोग इसे काम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद। हमारे कदम